Hello Bicho. Okay, let's go for the next session. In the last session, we have learned that uh, Hana was requesting to the servants, actually requesting the servants. To help them out in this matter, as the white man has been taken, has been taken in, and uh, they are ready to operate him. But the servants were not ready to accept their this mistake. Why this is called a mistake? Because <coughs> sorry, because the man is from America, and uh, he is in Japan. So at the time of World War, in America and Japan were enemy to each other. तो वहां जो सर्वेंट्स हैं वो अपने मालिक के इस एक्टिविटी से खुश नहीं है किस एक्टिविटी से उसके मालिक और मालकिन ने उस वाइट मैन को उठाकर अपने घर में लेके आए एंड दे वांट हिम टू बी ओके दे वांट हिम टू बी ट्रीटेड वेल सो दैट इज व्हाई द सर्वेंट्स आर नॉट हैप्पी बिकॉज एवरी अमेरिकन फॉर दैम इज ए ट्रेटर एन एनिमी तो हाना को वो खरी खोटी सुना रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वो आ, तो हाना ने भी क्या कहा कि सब उसको बोलने लगे एक तो उनमें से जो था जो उनका कुक था गार्डनर था उन्होंने उसको हाना को कहा कि देखो मास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए उसे हील नहीं करना चाहिए उसे बचाना नहीं चाहिए बिकॉज प्रकृति खुद उसे मारना चाहती है और अगर वो ऐसा करेंगे कि जो बंदूक ने जो जख्म दिया है समुद्र ने जो जख्म दिया है चट्टाने जो जो चकरा कर वो वो जख्मी हुआ है इन सब को भी अगर हमारे मास्टर हील करने की कोशिश करेंगे तो प्रकृति नेचर विल टेक रिवेंज ऑन अस प्रकृति हमसे बदला लेगी उसका ऐसा सोचना है आई विल टेल हिम वॉट यू से अब हाना भी बेचारी यही बोल पाई चलो जो तुम कहते हो मैं तुम्हारे मास्टर को बता दूंगी

कु इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी तो उसके मालिक ने अपने हॉट वॉटर कि खैर कोई बात नहीं उसने योमी से कहा कि तुम जाओ और गर्म पानी ले आओ एंड ब्रिंग इट टू द रूम व्हेर द व्हाइट मैन वॉज और उस कमरे में ले आना जहां इन्होंने इस वाइट मैन को रखा हुआ था इस इंजर्ड प्रिजनर को रखा हुआ था सी वेंट अहार्ट एंड स्लिड बैक द पार्टिशन आगे बढ़ती है पार्टीशन को बंद कर देती है स्लिट बैक देखो स्लाइड तो समझते होंगे आप कई दरवाजे ऐसे होते हैं जो स्लाइड करके बंद किए जाते हैं खोले जाते हैं स्लिड बैक द पार्टिशन सदाओ वॉज नॉट येट देयर अभी सदाओ वहां पे था नहीं अभी तक वहां आया नहीं वो भी बाहर गया हुआ है ये पानी लेने आई हुई है पीछे उस कमरे में जाती है और वुडन बकेट को रखती है एक्चुअली स्लिड बैक का मतलब यहाँ बंद करने से तो नहीं बना यहाँ खोलने से बना स्लाइड बैक ऐसे तो दरवाजा उसने खोला पार्टीशन पार्टीशन वाले दरवाजे देखे होंगे ना ग्लास के होते हैं इधर खींच दिया इधर खींच दिया जी आप समझ गए बैक द पार्टिशन कुछ इंस्ट्रूमेंट लेने गया होगा मेडिकल अपनी मैडम हाना के साथ साथ चली गई पुड डाउन हर वुडन बकेट अपनी वुडन बकेट वहां रखती है देन सी वेंट ओवर टू द्हाइट मैन और फिर वो उस वाइट मैन के पास जाती है वेन सी साम हर्थिक्स फोल्डेड इंटू स्टनस जब उसने उसको देखा कौन है लेप्स स्टबन्नेस। स्टबन्नेस। जिद को कहते हैं जिद को जब उसने उस व्हाइट को देखा तो वो भी जिद के मारे उस अपने होट दबाने लगी गुस्सा आने लगा आई है वाइट मैन सी सेड अब वो सी कौन है यहाँ पे हमारी यूमी यूमी ने कहा कि मैंने कभी किसी अंग्रेज को धोया नहीं है नहलाया नहीं है एंड आई विल नॉट वॉच सो आई वन नाउ और ऐसे इतने गंदे इंसान को तो मैं बिल्कुल नहीं लहलाऊंगी हाना क्राइड एट हर सीवियरली सीवियरली मतलब कठोरता से अब हाना अपनी नौकर यूमी पर बुरी तरह से चिल्लाती है You will do what your master commands you. तुम्हें हर वो काम करना होगा जो तुम्हारा मास्टर तुम्हारा स्वामी तुम्हारा मालिक तुमको करने को कहेगा लुक ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मतलब देखो कोई भी साइंस में पड़ा होगा रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रोक देना उसका विरोध करना ठीक है देर वो सो फियर्स लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन ह्यूमीस राउंड डल फेस यूमी के चेहरे पर विरोध के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे डल फेस हाना फेल्ट अनरिजनेबली अफ्रेड जिसको देखकर हाना को बिना किसी वजह के अनरीजनेबली डर सा लगने लगा कि कहीं यूमी उसको पलट के जवाब ना दे दे या वो कभी झगड़ा ना करने लगे। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट आफ्टर ऑल इफ सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग वन सॉरी 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 यहाँ आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन वो इस बात से डर रही थी कि कहीं सर्वेंट्स ऐसी चीज की रिपोर्ट ना कर दे जो हुई ही नहीं वेरी वेल well, ट विथ डिग्निटी बड़े सम्मान के साथ उसने यूमी से कहा चलो कोई बात नहीं वेरी वेल मत दो यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिस्स का मतलब देखो वो है अनकॉन्सियस उसे क्या करना है कॉन्सियस करना है मतलब होस में लाना है तो सेंसेज मतलब होस यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस समझने की कोशिश करो हम सिर्फ उसे होश में लाना चाहते हैं सो देट वी कैन टार हिम ओवर एज ए प्रिजनर ताकि हम एक प्रिजनर के रूप में उसे पुलिस के आर्मी के हवाले कर सकें आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट यूमी सैड यूमी ने कहा मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हो बट मैं इस अंग्रेज आदमी को नहीं दूंगी एज ए पेट्रियोट सी वॉज थिंकिंग एंड इट इज़ नॉट बिजनेस देखो मैं तो गरीब आदमी हूं मुझे इन पंगों में वो बेचारी इस बात से डर रही है कि कहीं उसे भी इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े देयर मे बी समुशन एंड रीजन्स फॉर दैट सी माइट सी माइट पे फॉर इट दैट इज वाई सीज ए लिटल आफर ओके भाई उसने मना कर दिया उसने नहीं धोया और उसने ये भी बता दिया कि ये कोई मेरा काम नहीं है मैं इसको नहीं करूंगी देन प्लीज हाना सेट जेंटली और हाना ने भी बड़े प्यार से उसके कह दिया तो ठीक है मत करो प्लीज रिटर्न टू योर ऑन वर्क जाओ अपना काम करो अच्छा अपना काम इनका क्या काम है वट इज मी जॉब टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एट वो मी लेफ्ट रूम बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन ए लॉन उसी वक्त यूमी कमरे से चली जाती है पर इसी के साथ

इसको गुस्सा आ रहा था अब शायद ना आए बल्कि इसको डर लगने लगे बट अब वो क्या बोलती है थोड़ा <coughs> 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 गुस्से में वो बड़बड़ाती हुई कहती है योमी तो पागल है योमी सी मटर्ड ओके आगे देखते हैं ज दिस एनी थिंग बट ए मैन क्या इंसान से ज्यादा ये कुछ और है एंड एडलेस मैन और वो भी बेचारा एक जख्मी इंसान है अरे ये भी तो एक इंसान है ऊपर से जख्मी इंसान है हेल्पलेस मैन बेसहारा इंसान इन द कन्विक्शन ऑफ अर ऑन सुपीरियोरिटी कन्विक्शन होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना अपनी गलती मान लेना इन सब को आप कह सकते हो इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन खुद अपने आप अपनी गलती मानते हुए मतलब खुद सेटिस्फाई होते हो कि चलो मत करने दो मैं ही कर लूंगी इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी अपनी श्रेष्ठता को मानते हुए सी बेंट इम्पल्सिवली सी बेंट इम्पल्सिवली इम्पल्सिव का मतलब होता है वेरी वेरी, वेरी आ, फास्ट फ्यूरियस ये सब कह सकते हो यहां स्पीड से मतलब है सी बेंट इम्पल्सिवली बड़ी तेजी से नीचे झुकती है एंड अनटाइड देखो टाई का मतलब बांधना अनटाइड यू अंडरस्टैंड खोल देना एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स रग्स कौन से कपड़ों को कहते हैं चिथड़े चिथड़े होने वाले कपड़े एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट कैप्ट वाइट मैन कवर्ड दैट कैप्ट वाइट मैन कवर्ड उसने चिथड़े चिथड़े खोल डाले जिसकी वजह से उस सफेद आदमी को जिन कपड़ों में उस आदमी को कवर किया गया था ढका गया था कैप द मैन का वो रग्स उसने हटा दिए अंटाई कर दिए वो गांठे उसने खोल दी वेन सी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर सी डिप द स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यूमी हैड ब्रॉट इन टू द स्टीम दैट यूमी हैड ब्रॉट यहां तक लेते हैं वेन सी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर जब उसने देखा कि उसके हाँ उसने जब उसके ब्रेस्ट को बेयर कर दिया अर्थात जब उसके चिथड़े चिथड़े हटा दिए सी डिप्ड स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यूमी हैड ब्रॉट उसने उस पानी में उस टॉवल को डुबोया जो यूमी लेकर जो पानी आई थी इन टू द स्टीमिंग हॉट वॉटर जो कि बहुत गर्म था एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली द मैन स्किन दो रफ विध एक्सपोजर इस आदमी की जो स्किन थी हालांकि टूटने फूटने की एक्सपोजर का मतलब पूरी तरह से खुल गया था खुलने का मतलब इंजर होने से है तो ये पूरी तरह से इंजर्ड हो गया था उसकी वजह से दो विद एक्सपोजर वॉज ऑफ ए फाइन टेक्सचर विद एक्सपोजर वॉज ऑफ ए फाइन टेक्स्चर एक अच्छी टेक्स्चर का मतलब यहां क्वालिटीज है यह स्किन की ही क्वालिटी बताने लगा है राइटर जो है कि कहता है इस आदमी की स्किन अगर देखो तो वो बहुत अच्छे टेक्सचर की थी अच्छी क्वालिटी की स्किन थी अच्छे टेक्सचर की स्किन थी एंड मस्ट है चाइल्ड और वो बड़ा प्यारा सा रहा होगा ब्लॉन्ड का मतलब गोरेपन से होता है अ uh, गोल्डन कलर को भी कह देते हैं ब्लॉन्ड मतलब ब्यूटीफुल लुकिंग गोरा चिट्टा अच्छी तरह से तो ये कह रहा है कि उसकी स्किन देख के लग रहा था कि जब वो चाइल्ड रहा होगा तो काफी सुंदर और बड़ा ही क्यूट बच्चा रहा होगा आगे चलते हैं यस थिंकिंग दिस थॉट जब ये सब वो सोच रही थी दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाव हालांकि अब ये इस इंसान को ऐसा नहीं है कि उसको अब पसंद कर रही थी नहीं अब भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था अब भी पहले से बेटर सिचुएशन नहीं थी दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड क्योंकि अब वो इतना छोटा बच्चा भी नहीं था सी कैप्टोन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन और जब तक उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से साफ नहीं हो गई वो उसे धोती रही बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई उसको पलट कर दूसरी तरफ से नहलाने की वेयर वॉज सदाव गए थे नाव हर एंगर वॉज एबिंग अब एबिंग का मतलब कम होना या ज्यादा होना कम हो रही थी एंड सी वॉज अगेन एंड सी रोज अब दोबारा से उसे चिंता होने लगी थी एंड सी रोज और वो वहां खड़ी होती राइज रोज रीजन ठीक है तो खड़ी होती है वाइपिंग हर हैंड अपने हाथ पोजती है ऑन द रोंग टॉवल रोंग टॉवल मतलब आप समझ गए होंगे जो गंदे वाला तोलिया जिसको हम यहाँ बोलते हैं तो रोंग टॉवल पे वो अपने हाथ पूछती है मैन बी चिल्ड सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम कहीं ये आदमी ठंडा ना पड़ जाए कहीं ऐसा ना हो जाए इसके लिए लेस लिखते हैं देन लेस द मैन बी चिल्ड कहीं आदमी ठंडा ना पड़ जाए सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम सदाओ सी कॉल्ड सॉफ्टली उसने बड़े प्यार से आवाज लगाई सदाओ सदाओ तुम कहां हो ये सब यहां तक आज छोड़ देते हैं then we will the next one. तो समझ लो हमारा आज का एपिसोड हिंदी सीरियल की तरह यहां खत्म होता है आगे की कहानी आप गैस करिए कि अब क्या होगा बाबा फोनाव सी टूमोरो